नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में शनिवार को कांग्रेस ने किसान महापंचायत की। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन शामिल हुए। महापंचायत के बहाने गहलोत और सचिन पायलट के बीच की दूरी भी कम होती दिखी। दोनों ने न सिर्फ हेलीकॉप्टर बल्कि मंच भी साझा किया। क्यों मायने रखते हैं गहलोत पायलट का साथ दिखाई देना? डूंगरगढ़ की सभा के लिए सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी अजय माकन एक ही हेलीकॉप्टर से जयपुर से रवाना हुए। लोकसभा चुनावों के बाद अब जाकर दोनों नेता एक हेलीकॉप्टर में नजर आए हैं। जुलाई में सचिन पायलट की बगावत के बाद दोनों के रिश्ते बहुत खराब हुए थे। हाल ही में सचिन पायलट की किसान महापंचायतों और राहुल गांधी की सभा में पायलट को मंच पर उचित जगह न मिलने के बाद दोनों नेताओं के बीच सियासी टकरावट बढ़ने की चर्चाएं गर्म थी। अब हेलीकॉप्टर यात्रा को दोनों नेताओं के बीच कड़वाहट दूर होने से जोड़कर देखा जा रहा है। गहलोत बोले, राष्ट्रपति सीधे इंसान, लेकिन उन पर दबाव। अशोक गहलोत ने अपने भाषण में कहा कि राष्ट्रपति सीधे इंसान है लेकिन उन पर दबाव है। चार राज्यों के मुख्यमंत्री भी राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं तो वे वक्त नहीं देते। राज्यपाल को भी हमने 4 बिल भेजे हैं लेकिन वे फैसला नहीं करते। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी सही कहते हैं कि हम दो हमारे दो। उन्होंने कहा कि सरकारें कभी जिद नहीं करती, वे जनता की सुनती हैं। किसान बिल पर केंद्र सरकार जिद कर रही है। माकन के भाषण के दौरान नारेबाजी हुई। किसान के प्रदेश प्रभारी अजय माकन के भाषण के दौरान सभा में बैठे बेरोजगारों ने पटवारी भर्ती की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें बैठाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने तो पुलिस उन्हें पकड़कर सभा से दूर ले गई। सचिन पायलट ने अपने भाषण में दिवंगत मास्टर भवर लाल को याद किया। पायलट ने कहा कि हमने साथ काम किया है, हमें एक बार फिर से सुजानगढ़ की सीट जीतना है। कांग्रेस की जीत के लिए आज से ही सब काम पर जुट जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र कृषि कानूनों की पार्टी शुरू से विरोध कर रही है। कांग्रेस के दूसरे किसान महापंचायत श्री डूंगरगढ़ के पास चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडियों में बुलाई गई। इसमें उदयपुर के वल्लभगढ़, भिलावाड़ा के सहाड़ा और राजसमंद जिले के लोगों को बुलाया गया है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन जब मंच पर भाषण देने के लिए आए तो नागौर से आए युवकों ने हंगामा कर दिया। करीब 40 से 50 युवकों ने विरोध किया। इसमें एक युवक के नारे लगते हुए कहा कि पटवारी परीक्षा कब होगी ये बता दो, सरकार बेरोजगारों के खिलाफ क्या काम कर रही है, हम बेरोजगार कहां जाएं। मामला बढ़ने लगा तो पुलिस ने उस युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस उसे अपने साथ ले जाने लगी तो उसके साथियों ने घेर लिया। मामला बिगड़ते हुए देख पुलिस ने उसे वापस जगह पर बैठा दिया। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भाषण दे रहे थे तो वहां बैठी महिलाओं उठ गईं। महिला पुलिस ने उन्हें बैठाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं मानी। बड़ी संख्या में महिलाओं उठकर निकल गईं। दरअसल इन महिलाओं को यहां बैठे काफी वक्त हो गया था। भाषण सुनकर उकता चुकी महिलाएं निकली, यो पंडाल में एक जगह खाली हो गई। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़।